at what angle? The particle must be projected. At what angle a particle must be projected so that it falls at a maximum distance from ठीक है ना. तो ये u जो है वो गिवन है आपको और थीटा आपने को निकालना है राइट. किस एंगल पे फेंका जाए ताकि ये सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे. आया ना. अरे क्वेश्चन समझ रहे हो. ये रेंज जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. तो रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन डी. सही बात है उसका. अब ये रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. इसके लिए क्या होना चाहिए? साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वन. आया ना. यस. और आर टू बी मैक्सिमम साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन है ना. तो टू थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. अरे हाँ आया ना. थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर आप 45 डिग्री पे फेंकते हो तो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा राइट. नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो किया था ना, आप चाहे तो कितना ही हाथ से जोर लगा दे, ये ध्यान रखना चाहिए कि एंगल 45 डिग्री है तब सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा. समझ में आ रही है बात? यस सर. अगर एक प्लेयर ने जैसे नीरज चोपड़ा ने भी मान लेते हैं कुछ यू स्पीड से फेंका है और कोई दूसरे प्लेयर ने भी यू स्पीड से फेंका है तो दोनों में से दूर वही जाएगा जिसने 45 डिग्री के जितना क्लोज फेंका होगा है ना. इसलिए वो उतना दूर जाएगा. समझ में आया बेटा? यस सर. आगे चलो. यस. नेक्स्ट देखते हैं. हेलो सर. सर प्रीवियस पेज दिखाना. हो गया. यस सर. अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 50√3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. फाइंड द टाइम after which its velocity makes an angle forty five degree with horizontal.
हाँ जी करें सॉल्व. यस सर. यस सर. तो थोड़ी देर बाद देखिए अभी थोड़ा सा जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना एकदम फाइनली जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे. तो 60 से थोड़ा कम होगा एंगल, थोड़ा कम होगा, ऐसे करते करते कोई टाइम पे 45 होगा. राइट. अरे हाँ यस सर. यस. तो वो बोल रहा है कि कब होगा 45. तो वो टाइम बताना है. तो t इक्वल टू 0 पे आपने फेंका है और t इक्वल टू t पे 45 होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए इसके पास दो कंपोनेंट है 50 cos 60. cos 60 कितना आएगा 25 root 3 आया ना. और 50 sin 60 कितना आएगा 75. समझ में आ रही है बेटा बात. Yes, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो सेम रहता है. तो यहाँ पे v के दो कंपोनेंट आएंगे v cos 45 दैट इज v बाय रूट v sin 45 दैट इज v बाय रूट. आया ना. अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है तो v बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी 25 रूट 2. ऑब्वियसली इस वाले v बाय रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी 25 रूट 3. आया ना. सुन रहे हो भाई. सर एक बार फिर से समझाओ ना. क्या बोल रहा है सर एक बार ये फिर से समझाओ ना. भाई यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी v है. उस v के भी तो दो कंपोनेंट होंगे ना v cos 45 एंड v sin 45 होंगे या नहीं होंगे. हाँ सर. तो v cos 45 कितना होता है. cos 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/√2. तो ये v by root 2 आ गया. sin 45 की वैल्यू कितनी होती है. सर 1/√2. तो ये भी v by root 2 आ गया. अब हमें पता है कि ओरिजिनल की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में सेम रहती है. जो पहले वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी. अरे हाँ है ना. तो ये v by root 2 किसके बराबर होगा 25 root 3 के बराबर होगा. सुन रहा है भाई. यस सर. तो वर्टिकल वाले देखिए कि ये 75 था. 75 से फाइनली कितना हो गया 25 root 3 हो गया. कितनी देर में 3 सेकंड बाद. मतलब यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल का मोशन है जो कि 25 root 3 से हो रहा है और एक वर्टिकल का मोशन है कि जिसको अपने शुरुआत में किससे फेंका है 75 से. 75 और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 25 रूट 3 हो गई. आया ना. यस सर. तो अपने को यही देखना है कि ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ कितनी देर में हो रही है. तो हमारे पास टाइम आ जाएगा. सुन रहे भाई. यस. वो टाइम आ जाएगा जब वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है. वही तो टाइम निकालना है अपने. तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. फाइनली कितना है 25 रूट 3. इनिशियली कितना है 75 माइनस 10 इंटू टी. टी की वैल्यू कितनी आ गई कर लोगे 75 माइनस 25 रूट 3 डिवाइड बाय 10. अरे हाँ या ना. यस सर. कितनी देर बाद एंगल जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा. तकलीफ है बेटा किसी को. नो सर. आगे चलो. यस.
आगे चले भाई। यस सर। यहाँ से पार्टिकल को यू स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है? तो थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो बताइए रेंज कितनी आएगी। थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज कितनी आएगी बताइए, कितनी दूर जाके गिरेगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला आएगा, राइट? यस सर। तो ये थीटा मान लेते हैं कुछ होगा, लेट सपोज 30 डिग्री होगा, एक बार के लिए वैसे समझने के लिए मानते हैं। तो मैंने दोबारा इस पार्टिकल को यहां से फेंका, इसी स्पीड से फेंका, परंतु अब की बार 90 माइनस थीटा से फेंका। 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ, अगर वो 30 था तो 60 होगा, मतलब अब की बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, है ना? Yes, बस ये बताना चाह रहा था कि अगर ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा। कई बोल लेंगे कि सर 90 माइनस थीटा भी एक्यूट है, थीटा भी एक्यूट है, तो हो सकता है भाई। थीटा देखो, थीटा 30 है तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 60 होगा, है ना? तो अभी भी वही रेंज आ रही है। अभी देखो रेंज कितनी आएगी, पहले वो देखते हैं ट्राई। अगर 90 माइनस थीटा से फेंकूंगा तो मान लेते हैं नई रेंज आर डेस, वो कितनी आएगी, साइन टू थीटा की जगह कौन आ गया 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है बात? Yes. अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा होता है, ये बात पता है क्या तुम्हें? हाँ सर पता है। सभी बच्चों को साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 को पाई लिख दिया, पाई माइनस टू थीटा अपॉन जी। तो साइन पाई माइनस टू थीटा किसके बराबर होगा? साइन टू थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और वही मैंने थीटा से जब फेंका था तब भी वही रेंज आई थी। यस। और 90 माइनस थीटा से फेंका तब भी यही रेंज आई, हाँ या ना? मतलब अगर ऐसे दो एंगल एग्जिस्ट करते हैं जब आपकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। सही बात बोल रहा है, सेम होगी। यस हां यार, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा, इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा and 90 minus theta, with speed u, then range in both the case with same speed, likh rahe na, with same speed u, then range it's same in both the case। समझ में आ रही है बात? The particle is projected at an angle theta and 90 minus theta with same speed u, then range is same in both cases, right? Yes. आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे पास particle is projected with some speed
मेटोसिस a particular height twice in its journey, twice during its journey. Twice during its journey at t equal to 1 second and t equal to 3 seconds. Find time of flight. हाँ जी, जब ये प्रोजेक्टाइल करेगा एक पर्टिकुलर हाइट को दो बार क्रॉस करता है, ठीक है, दो बार क्रॉस करता है इस पर्टिकुलर हाइट को, यहाँ पे क्रॉस करता है फिर यहाँ पे क्रॉस करता है. हो गया t इक्वल टू 1, और क्या हो गया t इक्वल टू 3. ये t इक्वल टू 0 है, तो एक बात बताओ इस मोशन को होने में कितना टाइम लगा? One second. इधर भी कितना टाइम लगेगा? 1 second. सर वन लगेगा. क्योंकि मोशन तो सिमेट्रिक है, जैसे ऊपर जाएगा वैसे नीचे आएगा. और यहाँ से मतलब 4 second है टोटल. बस टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 4 second हो गया. आया ना? अरे सर वो टाइम मतलब हाइट दो बार अचीव की वही नहीं समझा. यस सर वेरी कंफ्यूज. नहीं सर वो पर्टिकुलर हाइट ट्वाइस, वो पर्टिकुलर हाइट दो बार क्रॉस किया लिखा है ना, तो वही समझ में नहीं आया. हां वही तो बोला ना मैंने, इट क्रॉसेस अ पर्टिकुलर हाइट ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स जर्नी. एक पर्टिकुलर हाइट को दो बार क्रॉस करता है, यहां पे और यहां पे.
एट टी इक्वल टू 1 सेकंड एंड टी इक्वल टू 3 सेकंड लिख तो रखा है प्योरली ढंग से तो लिखा है यार, और क्या बोलेगा बताओ। तुम लोगों ने डायग्राम ही नहीं बनाया ना, डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझ में आएगी चीज। अब ये डायग्राम बनाने के साथ ही हो गया क्या, सर हो गया नहीं हो गया, इसमें और कुछ था क्या? यस सर, थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करो। अब एग्जाम में कौन समझाएगा वहां पे आके, क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही समझना पड़ेगा ना, समझे? यस सर, आगे चलो। यस सर, नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट, इस क्वेश्चन से पहले एक बार इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट भी बताओ। प्रोजेक्टरी पता क्या होता है? पाथ, जिस पाथ के अलोंग चल रहा है उस पाथ की इक्वेशन। समझ में आ रही है बात? जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उसको अपने यहां से ऐसे थ्रो किया, ठीक है ना? तो अगर इसको y वर्सेस x मानू, ये y एक्सिस ले लू यहाँ पे और यहाँ पे x एक्सिस ले लू, तो ये कोई ग्राफ बन गया ना। अरे हाँ है ना, इसका जो पाथ है, तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x अपने को क्या होगा ये बता, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी ये बताएंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगी, राइट? तो आपको ये बताएगा भी इस एक्स पे चला गया तो बता हाइट कितनी है, यहाँ से जहां से फेंका गया था वहां से अगर एक्स दूरी जाता हूँ तो वहां पे तेरे को हाइट बतानी है कितनी होगी, तो कोई इस इक्वेशन में वो एक्स की वैल्यू डाल दे वाई पता लग जाए, आया ना? ऐसी कोई इक्वेशन अपने को ड्राइव कर, राइट? सुन रहे हो बेटा? यस सर। तो हमारे पास देखिए इस u के दो कंपोनेंट होंगे, u cos theta एंड u sin theta। तो टाइम पे t equal to t पे पार्टिकल यहाँ है, राइट? यहाँ से t equal to 0 पे फेंका आप, तो वो x में कितना चला x, y में कितना चला y। तो x का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? वो तो u cos theta से चला, सुन रहा भाई? तो t टाइम में कितना चल लेगा, जीरो से t इक्वल टू t तक कितना चल लेगा? u cos theta into t है ना, x की वैल्यू आएगी u cos theta into t, राइट? इसी तरीके से वर्टिकल मोशन हो रहा है उसमें क्या फेंका जा रहा है, u sin theta से फेंका जा रहा है, तो वो t टाइम में कितना चल लेता है, y चल लेता है। अरे हाँ या ना? Yes, sir। तो ये y कैसे निकालोगे अभी बताओ, acceleration due to gravity है यहाँ पे जी, right? y को क्या लिखोगे, u sin theta t, ut plus half at square लिखोगे ना? Yes, sir। ये माइनस साइन क्यों लिया यहाँ पे, ग्रेविटी से जो नेगेटिव है। अब हमें y और x में रिलेशन निकालना था, हमें क्या करना था, y और x में रिलेशन। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, y और x में अपने को आपस में रिलेशन बताना है। फालतू कौन है हमारे पास जिसको हटाना चाहिए, टी टी है, तो टी फालतू है,
तो फ्रॉम वन टी को निकाल दो, टी कितना आएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा राइट, पुट इन टू, सही बात है गलत बात? यस सर। ये पुट कर दो एक्स कौन कॉस थीटा, ये कितना आएगा यू साइन थीटा इन टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इन टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर राइट। समझ में आ रही है बात? यस सर। एक्स साइन थीटा को सॉरी कुछ और ही काट दिया ना, किसको काटना चाहिए था यू यू और तो कोई नहीं कटेगा, कितना आया tan थीटा x x tan थीटा माइनस हाफ जी स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा राइट। अरे हाँ आया ना, तो ये क्या आ गई? यस सर दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री राइट। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई भाई, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ना, इसमें टाइम कहाँ है, टाइम है ही नहीं, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। अब एंगल गिवन होगा जैसे 45 गिवन होगा तो टेन थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे यू की वैल्यू भी आएगी जी की वैल्यू भी आएगी, तो ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। अरे हाँ है ना, तो एक हिसाब से ये क्या बन गया वाई एक्स का साथ फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, कितने डिग्री की इक्वेशन है ये थीटा, कितने डिग्री की इक्वेशन है, डिग्री एक्स की डिग्री कितनी है टू है, तो दो डिग्री की इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है पैराबोला, अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला राइट। यस क्या कह रही हो बेटा, सबको समझ में आया भाई? यस सर। आप लोगों की स्कोर आ गए ना टेस्ट के? क्या सर? टेस्ट का स्कोर आ गया ना जो हुआ था? यस सर। कैसा रहा फिर, कुछ गलतियां आपने डिटेक्ट की? यस सर। गलतियां पता लगा सभी को, आप लोगों ने पहला टेस्ट दिया है शायद? नो सर, दूसरा था। दूसरा? अच्छा, दो टेस्ट में क्या क्या गलतियां की है पता लगा किसी को? जिसको पता लगा एक बार हाथ उठाओ, मैं स्कोर नहीं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आपकी गलतियां पता लगा क्या, जो आपने मिस्टेक्स की है। अनुराधा, अनुराधा तुमने क्या गलती की बताइए, सबको बताइए ताकि सबकी गलतियों को सुधारो, मुझे बताइए पहले आप क्या गलतियां की आपने, आप नीचे मत करो भाई सबको कुछ। नहीं बता रहे, आवाज नहीं आ रही है वैसे अनुराधा आपकी, आपने माइक का नहीं चलिए जयेश तुम बताइए। सर अब आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं रॉन्ग की थी, मतलब बहुत सारा था, फर्स्ट क्वेश्चन भी ये था साइन रूल एंड कोसाइन रूल ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा तो वो गलत हो गया? और बाकी हाँ सर, और बाकी वेक्टर्स में भी बहुत सारे रॉन्ग गए। नहीं रॉन्ग जाना इज नॉट ए गलती, वे रॉन्ग तो चलो हो जाते हैं, बट आपकी कौन सी गलतियों की वजह से रॉन्ग हुए वो गलतियां पता लगी, मतलब आपको क्वेश्चन आ रहा है और फिर भी रॉन्ग हो गया, घर पे आके उस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ था क्या कि वहां पे नहीं हुआ, घर पे आके आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो? हैं सर
सर सिली सिली मिस्टेक, जैसे फिर वेक्टर में फॉर्मूला जो है कभी मिस्टेक हो जा रहा था और कभी क्वेश्चन ही अच्छे से पूरा नहीं पड़ी थी, तो फिर मतलब इसलिए रॉन्ग हो गया। जल्दबाजी बहुत ज्यादा किया आपने। हाँ, और अब बात ये है कि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े या फिर आप फॉर्मूले के अंदर ही कंफ्यूज हो गए, मतलब आप जल्दबाजी में इतने थे, रिलैक्स माइंड से पेपर नहीं कर रहे थे। हाँ सर, नहीं, दिस इज द मेन मिस्टेक। तो आपको या तो जल्दबाजी में करने की आदत डालनी है या फिर पेपर में रिलैक्स रहना, राइट? हाँ सर, इन दोनों में से एक चीज को चूज करना है। और जल्द फायदा यही होता है कि आप जल्दबाजी में करने की आदत डाल, है ना? हाँ, रिलैक्स रहने से तो फिर अपन पेपर छोड़ देंगे, क्या फायदा। चलिए, जयेश आपने क्या मिस्टेक की? हेलो, क्या मिस्टेक्स किए आपने? सर सिली मिस्टेक हुई, मतलब तो इधर मैंने माइनस समझा, वहां पे प्लस था, तो ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हुई है। सिली मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हो, ओके। आदित्य एंड दीपिका, द फॉर्मूले गलत यूज किए हैं। फॉर्मूला गलत लगा दिया आदित्य। अच्छा सर, प्रैक्टिस की कमी थी वेक्टर्स में। ओवरऑल प्रैक्टिस की कमी थी, तो आपकी स्पीड नहीं बन रही होगी वहां पे काम करने की, है ना? यस सर, एक्चुअली वो कैसे फॉर्मूले भी उतने याद नहीं थे, तो फिर टाइम टू टाइम या तो मैं क्वेश्चन छोड़ देती थी या फिर नहीं गलत हो जाता था, यही प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस ही कम थी मुझे जहां तक लगता है। प्रैक्टिस आपको पूरी करनी चाहिए थी, जो चैप्टर आता है ना उसकी लगभग पूरी मैथ्स शीट लगा के जाया करो एग्जाम में, राइट? देखो बच्चे क्या करते हैं, केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी से कुछ नहीं होता है, थ्योरी आपने दो बार पढ़ ली इनफ है, राइट? और जितनी भी बार आपको रिवीजन करना हो ना, क्वेश्चन ज्यादा लगाइए, उसी से आपको पता लगेगा कि आपको क्या नहीं आता, राइट? यस सर, ये बोर्ड एग्जाम से बहुत डिफरेंट है जेई का एग्जाम। हम बोर्ड के अंदर ये करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर याद करते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, वो बोर्ड के अंदर होता है। आप आज तक टेंथ के अंदर ये करते आए हो, अभी आपका पढ़ने का पैटर्न बदलना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो हाउस के उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए, सभी बच्चों को ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा? थ्योरी ठीक है, आपने समझ ली, एक बार दो बार आपने उसको रिवाइज कर लिया, पहली बार आपने समझ ली, दो बार रिवाइज कर लिया, अब उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, राइट? चलिए, ये सभी को समझ में आया भाई, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिल? यस सर। अब इसमें से अपने कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, वैसे दे सकता है कि आपको कोई एक्स पे वाई दे दे, आपको बोल दे कि एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे वाई की वैल्यू 3 मीटर, ऐसा बोल सकता है ना वो? यस सर। एक्स की वैल्यू 2 दे दी, वाई की वैल्यू 3 दे दी, और आपको स्पीड भी दे दे कि स्पीड 10 येलो, और आपसे पूछ ले कि थीटा निकालो, थीटा कितना था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। तो अगर आप सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट भी कर दी ना, तो आपके पास टेन थीटा और कोस थीटा दो टर्म रह जाएगी। अरे हाँ या ना, बाकी सबकी वैल्यू तो पुट कर दी, yes. थीटा की वैल्यू नहीं थी आपके पास, तो एक कोस थीटा रह गया, एक टेन थीटा रह गया, थीटा निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? या कोस थीटा से को सॉल्व करो या टेन थीटा को सॉल्व करो, नया में कोस थीटा और टेन थीटा के बीच में यहाँ पे अपने को रिलेशन स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए जब थीटा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कोई एक फॉर्म में लेके आओ, या तो पूरी इक्वेशन को cos थीटा में लेके आओ या फिर पूरी इक्वेशन को tan थीटा में लेके आओ, ताकि अपन निकालें तो फिर कुछ ना कुछ, या तो tan थीटा निकाले या cos थीटा निकाले, हाँ या ना? जब दो अलग अलग फंक्शन के अंदर इक्वेशन रहेगी तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसको, समझ में आ रही है बात? यस सर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y is equal to x tan theta minus dx square upon 2u square. अब नीचे cos square है, उस cos square को लिख सकते हैं क्या होगा, secant square, secant square को क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square, अरे हाँ या ना? Yes sir। तो ये आपकी पूरी की पूरी tan theta में बन गई है, right? अब आपके tan थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अगर सबकी वैल्यूज आपने पुट कर दी ना, तो एक tan स्क्वायर थीटा की टर्म आएगी, एक tan थीटा की टर्म आएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे इसको, आया ना?
यस सर। आगे चलते हैं, इसी इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में देखें, इसका एक और फॉर्म बताता हूं। इसमें से मैंने x tan थीटा को कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ से x tan थीटा बाहर ले लिया, one. तो यहाँ पे कितना रह गया, वन, वन लिख दिया माइनस, एक x तो बाहर चला गया, एक x रह गया यहाँ पे, राइट जी है, हाँ जी है हमारे पास, और टू यू स्क्वायर, ठीक है सर, टू यू स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर ही पढ़ा रहने दो, है ना, यस सर। अब tan थीटा यहाँ पे नहीं था, फिर भी मैं tan थीटा कॉमन ले रहा हूँ, एक्चुअली मैंने क्या कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, जिसने मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर चला गया और डिवाइड वाला रह गया, है ना, समझ में आ रही है बात, यस सर। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, नहीं समझा सर, ये वाला स्टेप नहीं समझा, हाँ मेरे को पता था नहीं समझा, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे को पता आधे लोगों ने नहीं समझा होगा, इसको मैंने tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा से डिवाइड कर दिया, राइट, कोई दिक्कत है क्या, नो सर, कॉमन लिया, तो ये वाला इधर से चला गया, यहाँ से एक x चला गया, एक tan थीटा चला गया, कोई दिक्कत है क्या, बच गया कौन, tan थीटा बच गया ना, नीचे वाला, तो नीचे वाला tan थीटा, हां सर समझे, अब समझ गए, बहुत बढ़िया, समझ गए ना भाई सभी, हां सर, तो इस tan थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट, यस सर, साइन थीटा अपॉन, तो ये बन जाएगा, कितना आ जाएगा ये बताइए, कोस थीटा, ये बाकी सारी टर्म एज इट इज है, यहाँ पे इसको लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस, तो a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, आया ना डिनोमिनेटर वाला, हां सर, यस सर, ये अपने cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, राइट, 2 cos थीटा sin थीटा, अरे हां आया ना, यस सर, cos थीटा * sin थीटा, ये sin थीटा * में है, डिवाइड में मत ले लेना, tan थीटा की जगह रखा है मैंने, राइट, तो ये कितना आएगा, x tan थीटा बाहर तो है ही, 1 x g अपॉन u स्क्वायर cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin 2 थीटा, अरे हां यार, यस यस सर, ये जाना पहचाना लग रहा है आपको, यस सर, सर तो इनवर्स हो गया, ए 1/1 का उल्टा है, है ना, यस सर, 1/1 आ रहा है, यस सर, तो इक्वेशन बन जाएगी x tan थीटा 1 - x/r, राइट, तकलीफ है क्या किसी को, समझ में आया सभी बच्चों को, सर वो टू यू स्क्वायर वाला समझ में नहीं आया, जी 2u² वाला, 2u² cos का डेटा को रिड्यूस किया, यहां से नहीं समझा, हां सर, ये समझ गया है पहले, यहां तक समझा तू, इससे ऊपर ऊपर का, हां सर वो समझ गया, फिर sin थीटा cos थीटा भी समझा, हां तो tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा रख दिया, tan थीटा को हटा दे, इसके जगह रख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, हां सर ये समझ गया, कोस थीटा कैंसिल हो गया, अब क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या किसका फार्मूला होता है, ओके सर, साइन 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 2 थीटा का फार्मूला होता है ना ये, इसको साइन 2 थीटा रख दिया, हां सर समझा भाई, आप tan थीटा रखना और अगले स्टेप में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करना है इसको, ठीक है भाई, हां सर समझ, तो तीन फॉर्म आ गई हमारे पास, एक ये फॉर्म आ गई,
एक ये फॉर्म आ गई, एक ये फॉर्म आ गई, राइट। इसमें देखिए yes, इसमें आपकी u की टर्म नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी की टर्म नहीं है। तो जब आपको इनिशियल वेलोसिटी पता ना हो और रेंज पता हो तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं, राइट। यस सर, यस सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Find theta so that projectile can hit the target.
हाँ जी आगे चलते हैं, देखिए ये इस टारगेट को हिट कर जाए, मतलब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाते हुए हिट कर जाए, आयन या फिर आते हुए हिट कर जाए, तो ये जो भी प्रोजेक्टाइल होगा इसमें अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है इस प्रोजेक्टाइल की, हमें इससे यहाँ से कोई एक्स दूरी पे कोई वाई की वैल्यू पता है या नहीं पता है? पता है, yes, sir. तो हम अगर इसमें यू की वैल्यू भी पता है, अपने को निकालना क्या है, हमें थीटा निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब थीटा निकालना हो तो अपन पूरी इक्वेशन को टेन थीटा की फॉर्म में रख लेंगे, सही बात है गलत बात? yes, yes, ये आएगी y is equal to x tan theta minus g x square upon 2 u square। आपको याद एक ही रखनी है, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये भी याद रखो ये भी याद रखो, एक याद रखो। अपने को पता है कि cos square को tan square में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको पहले secant square ऊपर जाएगा, secant square को लिख देंगे 1 plus tan square, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बाकी सारी इक्वेशन सेम है। अरे हाँ है ना, cos square ऊपर जाएगा secant square, उसको लिख देंगे 1 plus tan square, अरे हाँ है ना, तो यहां तक मैंने सेम लिखा, बस नीचे वाले cos square की जगह 1 plus tan square लिख दिया, राइट, तकलीफ है बेटा? और सारी इंफॉर्मेशन अपने को पता है, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 20, जब x की वैल्यू 20 होती है तब y की वैल्यू 10 होती है, tan theta पता नहीं है निकालना है, जी x की वैल्यू पता है 20 है, तो u की वैल्यू पता है 20 है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। 1 plus tan square theta कौन जाएगा, 20 square, जी 5 पे गया, मैंने भी फाइव भी चला गया, फोर और टू पे है ना, यहाँ पे क्या रह गया, टेन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस साइन है, उधर जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, राइट, फोर टेन थीटा उधर जाएगा, माइनस का फोर टेन थीटा, यहाँ पे एक माइनस वन और था, आगे माइनस और ये वन, तो माइनस वन था वो उधर जाएगा तो प्लस का थ्री, अरे हाँ या ना? अब देखिए ये tan tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, जिसमें वेरिएबल कौन होगा, tan थीटा हो गया, तो ये बन गया tan थीटा माइनस 3 into tan थीटा माइनस 1, सही बात है गलत बात? इक्वल टू 0, तो tan थीटा की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर 1 आएगी, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 या फिर tan इनवर्स 3 आया ना। अब tan इनवर्स 1 तो अपने को पता ही है कितना होता है, 45 डिग्री होता है, राइट, 5/4 और tan इनवर्स, दो ऐसी वैल्यू पॉसिबल है थीटा की जिसके लिए इस टारगेट को हिट करेगा। अब तुम सोचोगे सर दो वैल्यू कैसे पॉसिबल हुई, भाई ये 5/4 पे हो गया जब इसको जाते हुए हिट करेगा, सही बात है, tan इनवर्स 1 है ना ये, तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे 1 थी, जब tan थीटा की वैल्यू 1 होती है तब जाते हुए हिट करता है, और जब tan थीटा की वैल्यू 3 होती है मतलब इससे ज्यादा होगी तब क्या होता है, इसको आते हुए हिट करता है, अरे हाँ यान? यस सर। ऐसे tan थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल हो गए, ऐसे दो पाथ पॉसिबल हो गए कि इसको हिट करता है, अरे हाँ यान? यस हाँ सर। आगे चलो, आगे चलते हैं। A ball is thrown from ground, लिखते रहो भाई साथ साथ। A ball is thrown from ground level, so as to clear a wall of 4 meter high. Ball is thrown from the ground level so as to clear a wall of height 4 meter at a distance of 4 meter from the point of projection. है ना?
A ball is thrown. From ground so as to clear a wall 4 meter high at a distance four meter from point of projection. Ball set a fourteen meter from wall. Ball set a distance 14 meter from wall. Find magnitude of initial velocity. And angle at which ball is thrown. हाँ जी सॉल्व करूँ मैं थीटा यस मान लेते हैं कि यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक रहा है. अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसमें कोई भी एक्स पे एक जनरल एक्स पे एक जनरल वाई की वैल्यू पता है. सही बात है गलत बात? हमें यू थीटा निकालना. इसके अलावा हमें रेंज भी पता, रेंज दिया, रेंज भी पता है. रेंज कितनी है? 18 राइट. तो सबसे पहले अपन प्रोजेक्टाइल वो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में कौन सी इक्वेशन लगाओ? y = x पावर जिसमें रेंज था ना, जिसमें रेंज थी वो वाली लगाऊंगा क्योंकि उसमें इनिशियल स्पीड नहीं थी. सही बात है गलत बात? ये वाली इक्वेशन नीचे वाली. अरे हाँ या ना, यस सर लगाऊंगा ना. रुका, इसमें रेंज थी इनिशियल स्पीड नहीं थी तो मेरे को इनिशियल स्पीड पता नहीं थी. यहाँ से टेन थीटा निकल जाएगा मेरे पास क्योंकि मेरे को y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है. किसकी नहीं पता? थीटा की नहीं पता, राइट? अरे हाँ या ना, यस सर. तो ये कितना आएगा? y is equal to x tan theta 1 minus x by r.
एक्स इज इक्वल टू फोर पे वाई की वैल्यू फोर है, फोर टेन थीटा वन माइनस फोर बाय एटीन आया ना बेटा? यस सर। ये टू नाइन, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? नाइन बाय सेवन है ना, इनवर्स ऑफ टेन, तो यहाँ से थीटा आ गया tan inverse 9 by 7, right? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है इनिशियल स्पीड। तो क्या करना चाहिए बताओ? टैन की तरफ फॉर्म हां, अब हमें रेंज पता है ना, थीटा भी पता है, tan थीटा की वैल्यू 9 by 7 है। देखिए जब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पता लग जाती है ना, उससे बाकी सब की निकाल सकते हो। जब tan थीटा 9 बाय 7 है तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रायंगल बनाओ, ये 9 ये 7 ये थीटा है ना, तो साइन थीटा कितना होगा? 9 बाय 1 अंडर रूट 130, राइट? यस सर। कितना होगा 7 बाय 9 बाय, तो यहाँ पे रेंज पता है अपने को, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, राइट? यस सर। अब हमें रेंज की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोस थीटा की वैल्यू पता है, रेंज कितनी है? 18 2 u स्क्वायर 9 into 7 by 130 into g, सही बात है गलत बात? यूज करके वैल्यू कितनी आ गई? ये जाएगा हमारे पास 92 जा 2 से 2 पे चला गया, तो यूज करके वैल्यू आ गई, यहां से इसको g को ना 9.8 ले लेता हूं ताकि ये 7 से कैंसिल हो जाए, है ना? तो ये जीरो हट जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा, ये चला जाएगा 7 × 7 = 28, है ना? सुन रहे हो बेटा? यस सर। 42 पीछे रहेगा 4, 14 × 14 = 18 अंडर रूट 182, यू स्क्वायर नहीं है ये यू होता है, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट 182 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा? यस सर। सही बच्चों समझ में आया? यस सर। एक यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज ये भी थी जो फिजिक्स की नहीं है, जैसे टेन थीटा पता हो तो अपन सारे बता सकते हैं, साइन थीटा भी बता सकते हैं, टेन थीटा कोस थीटा भी, छोटी सी ट्रायंगल बनाओ, कोई सा भी थीटा निकालो, अब क्या दिक्कत है? समझ में आ रही है बात? यस yes, सर। आगे चलो बेटा। यस सर। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। Projectile from a height. तो इसमें सबसे पहला है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट
projected parallel to the ground. Projected parallel to the ground. ठीक है, एक हाइट से एक बिल्डिंग पे चढ़ के अपन ने एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है विद स्पीड यू से. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड रेंज, दो चीज फाइंड करनी है अपने. वी नो व्हाट टाइप ऑफ मोशन वी विल लग रहा है ना, हम जानते हैं ये इस तरह का मोशन होगा. कितनी देर पे नीचे पहुंचेगा, इक्वल टू जीरो पे आपने प्रोजेक्ट किया, इक्वल टू कैपिटल टी पे नीचे पहुंच रहा है, कितनी दूर जाएगा, ये रेंज है. अरे हाँ है ना, इस मोशन को दो भाग में ले सकता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल का मोशन जो ऑलवेज यू स्पीड से होगा, राइट. इसके अलावा एक वर्टिकल का मोशन जिसमें अपन ने ड्रॉप किया है. इसमें देखिए इनिशियल वर्टिकल की वेलोसिटी क्या है, आपने जो भी वेलोसिटी दिया वो हॉरिजॉन्टल में दिया ना, इनिशियली वर्टिकल की वेलोसिटी जीरो है और धीरे धीरे वर्टिकल के पास वेलोसिटी आ रही है. अरे हाँ है ना. यस सर. यस सर. ठीक है, धीरे धीरे वर्टिकल के पास वेलोसिटी आ रही है. क्यों आ रही है वर्टिकल के पास वेलोसिटी, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन ग्रेविटी. शुरुआत में जीरो था तो धीरे धीरे इसके पास वेलोसिटी आ रही है, तो थोड़ी देर बाद जो है इसके यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी. सही बात है, गलत बात. फिर और ऐसे करते करते ये ग्राउंड पे गिरे. अरे हाँ या ना. यस सर. तो कितनी देर में गिरेगा, a = t. हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कांस्टेंट है u, उसमें चेंज नहीं आएगा. भले इसकी जो भी नेट वेलोसिटी आएगी ना, जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 आ जाती है, यहाँ पे v2 आ जाती है, यहाँ पे v3 आ जाती है. अरे हाँ या ना. इन सब के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो u ही होंगे, वर्टिकल के जो कंपोनेंट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं. अरे हाँ या ना. यस सर. यस सर. जैसे ये हो गया vy, तो ये हो गया vy डैश, ये vy डबल डैश, मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं. क्योंकि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि g है इस तरफ, ये चेंज होते रहेंगे. शुरुआत में जीरो है, भी uy जीरो है, राइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कौन से मोशन से निकालू, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. 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 तो वर्टिकल में अपने को पता है कि एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कितनी देर में नीचे पहुंचता है. सब बच्चों को ये बात पता है ना. यस सर. लीनियर में पढ़ा है अपन. अगर अपन एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो नीचे पहुंचने में उसका रूट ऑफ 2h / g टाइम लगता है, तो वही तो सेम मोशन है. अरे हाँ है ना. मतलब इसको भी नीचे पहुंचने में अंडर रूट ऑफ 2h / g टाइम लगेगा. कितनी देर में हॉरिजॉन्टल में कितना चल लेगा, qt. सही बात है, गलत बात. तो रेंज हो जाएगा u into अंडर रूट ऑफ 2h / g. इजी था ना बेटा. यस सर. हम सबको ये भी पता है कि एच साइड से जब ड्रॉप करते हैं तो नीचे पहुंचते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, बताओ. यस सर. नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कितनी होती है, रेक्टिलिनियर में करवाया था ना. यस. क्यू प्लस एटी. अरे टी थोड़ी लगाना है अपने को, ये डायरेक्ट फॉर्मूला करवाया था यार, रूट टू जी है. हाँ सर, डायरेक्ट. याद ही नहीं है किसी को, भाई ढंग से पढ़ा करो. सीधा फॉर्मूला ऐसे लगाओ, vy square is equal to uy square plus 2as. uy का स्क्वायर तो जीरो हो गया. अरे हाँ है ना. a की जगह g आ गया और डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ गया, तो vy क्या होगा, बस इस रूट 2gh का h होगा. यही वाला तो है 2gh. अरे हाँ है ना. यस सर.
इसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, फाइनली एच साइड तक ड्रॉप करना है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू जीरो है, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, एस की जगह कौन है एच है, तो टू एच बाई जी, सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो ये होगी स्पीड। तो जब ये बात होता होगी ये प्रोजेक्टाइल जब नीचे गिरेगा तो इसकी वर्टिकल की स्पीड कितनी होगी, √2gh, और हॉरिजॉन्टल की स्पीड कितनी होगी, u, सही बात है गलत बात? Yes. तो इसकी नेट स्पीड कितनी होगी, v net, v हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस v वर्टिकल के स्क्वायर का अंडर रूट, सही बात है गलत बात? Yes, sir. कितना आएगा, u square plus 2gh, अरे समझ रहे हो, ये जिस स्पीड से ग्राउंड पे गिरेगा, yes, sir. ये कौन सी स्पीड है, जिस स्पीड से ग्राउंड पर गिरेगा, समझ आ रही है, पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, हाँ सर, अरे हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चों को कोई तकलीफ, नो सर, पक्का पक्का, आप लोग भाई फटाफट, आज तो आवाज की प्रॉब्लम नहीं आई ना, नो सर आज नहीं आई, तुम्हारे बैच में जनरली आती है, यस सर, आगे चलो भाई नेक्स्ट, यस सर, अब हमें ये बताना है कि इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी, यू स्पीड से फेंका आपने तो कोई भी टाइम पे एक्स की दूरी कितनी चलेगा, यू टी चलेगा, अरे हाँ या ना, यस सर, और वाई की दूरी कितनी चलेगा, अब वाई में वर्टिकल में स्पीड तो जीरो थी तो एक्सेलेरेशन से चलेगा बस हाफ जी टी स्क्वायर, अरे हाँ या ना बेटा, यस सर, तो अगर इसको आप ओरिजिन ले रहे हो ना तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स को माइनस वाई होगा, सही बात है गलत बात, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, अरे सुन रहे हो बेटा, एक्स कॉमा माइनस वाई हो गया, तो यहाँ पे वाई की जगह हाफ जी इंटू टी की जगह रख देंगे एक्स बाई यू का स्क्वायर, राइट, समझ में आ रही है बड़ा बात, तो वाई किसके बराबर आ गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, अगर वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना है, वाई कोऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. समझ में आ रही है बेटा? तो वो क्या होगा, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन. अरे हाँ या ना बेटा? सर y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर कहाँ से आया? यहाँ से t की वैल्यू, वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए अपन क्या करते हैं, t को तो हटाते हैं ना, y और x में रिलेशन निकालना होता है. वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के लिए भी अपन ने क्या किया था, यही तो किया था ना. ये देखिए इसमें क्या किया था आपने, t को हटाया था. समझ में आ रही है बेटा बात? t को पहली इक्वेशन से निकाला और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया. अरे हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई. यस सर. सिमिलरली वही काम अपन ने इसमें किया, पहली इक्वेशन से t की वैल्यू दूसरी में पुट कर दी. राइट, ये आया. तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास नेगेटिव का होगा. आप यहाँ पे y जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वर्टिकल की डिस्टेंस है. समझ में आया बेटा सभी को? तो होमवर्क आपको क्या दे रखा था मैंने, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. होमवर्क क्या दे रखा था बेटा? सर एक्चुअली फर्स्ट रेक्टिलिनियर का, सर रेक्टिलिनियर का फर्स्ट एक्सरसाइज पार्ट वन. पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं दिया था? नहीं सर. तो रेक्टिलिनियर का एक्सरसाइज वन पार्ट टू कर लेना, पार्ट टू और पार्ट थ्री मतलब कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज वन. ठीक है? ओके सर. एक्सरसाइज वन कंप्लीट, जो भी इसमें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री जो भी है ना वो पूरी कर लेना रेक्टिलिनियर. ठीक है बेटा? यस सर. चलो और नेक्स्ट क्लास कब है अपनी? देखना एक बार टाइम टेबल सर. नेक्स्ट क्लास सीधा सैटरडे को. सैटरडे को है? सैटरडे आज ट्यूसडे है ना, तो काफी टाइम है. एक काम करना फिर, इसकी एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू भी कर लेना. एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू के 10 क्वेश्चन कर लेना. ठीक है? 1 to 10. रेक्टिलिनियर हाँ, रेक्टिलिनियर की एक्सरसाइज वन में जो भी रिमेनिंग है वो कर लेना. एक्सरसाइज थ्री पार्ट टू में 1 to 10 कर लेना. ठीक है? बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. थैंक यू.